अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स हम्बल अहमद हियर अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हम्बल सोलर वाला। वेल गाइस, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है 3 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर का। अच्छा, इसमें दो ब्रेकर्स लगाए हमने 20-20 एम्पीयर्स के। ये MEC का ब्रेकर है LS। इसमें इनपुट जो है वो ऊपर से है और आउटपुट जो है वो नीचे से है। एज़ यू कैन सी कि देखें, ऊपर लाइन लिखी हुई है, ये देखें लाइन लिखी हुई है और ये लोड लिखा हुआ है। इसमें आपने इनपुट जो है वो ऊपर से देनी होती है और आउटपुट जो है वो नीचे से देनी होती है। यूजुअली जो ब्रेकर्स पाकिस्तान में यूज़ होते हैं उसमें इनपुट नीचे से होती है और आउटपुट ऊपर से होती है, लेकिन जिसमें अपोजिट होती है उसमें मेंशन होता है ब्रेकर के ऊपर। अच्छा, इसमें हम इनपुट देंगे वापडा की ऊपर से और आउटपुट लेंगे नीचे से, और इसकी आउटपुट हमने दी है इस वोल्टेज प्रोटेक्टर में। ये ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर है। इसमें हम प्रोटेक्शन डिफाइन कर देते हैं कि मिनिमम जो है, लेट से हम लोग डिफाइन करते हैं इसमें 180 वोल्ट जो है वो मिनिमम जो है वो इन्वर्टर को मिलें, और ज़्यादा से ज़्यादा 245 वोल्ट इन्वर्टर को मिले। उससे ऊपर जाए तो ये उसको ट्रिप कर दे, और 180 से नीचे वोल्टेज जाए तो ये इसको ट्रिप कर दे। इसके नीचे से, इसका भी लोड नीचे से है और लाइन इनपुट ऊपर से है। अच्छा, उसके साथ में जो ब्रेकर है वो सोलर आउटपुट का ब्रेकर है। इसमें भी लाइन ऊपर से, लोड नीचे से। लोड हमने दिया है चेंज ओवर को। ये चेंज ओवर में आ गया नीचे, और ये ग्रीन कलर की सोलर की लाइट आ गई। इसी तरह रेड कलर की लाइट वापडा के साथ लूप है, ये वापडा के साथ लूप है आउटपुट के साथ। अच्छा, जब ये चेंज ओवर करेंगे वापडा पे तो ये क्या करेगा, उसको बाईपास कर देगा इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर को, और ये लोड चला देगा। अच्छा, इसके साथ लगा हुआ है हमारा एम्पियर मीटर। ये NT72 इसका मॉडल है। इसके साथ हमने CT लगाई। इसके कनेक्शन में आप देख लीजिए, इसमें सीधे हाथ में जो कनेक्शन हैं वो AC इनपुट जो देने हैं इसको, ये उसके कनेक्शन हैं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी कनेक्शन करते हैं तो सीधे हाथ पे हम लोग रखते हैं नेगेटिव और उल्टे हाथ पे रखते हैं हम पॉजिटिव। इसी तरह हमने ये कनेक्शन किए हुए हैं, ये AC इनपुट के कनेक्शन है सीधे हाथ पे, और उल्टे हाथ पे जो कनेक्शन हैं वो CT के इनपुट के हैं। अच्छा, ये CT है, ये 60/5 की हमने CT लगाई हुई है। अच्छा, रिकन की CT हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इसका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है। अच्छा, इसके साथ जो है हम ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं, DC ब्रेकर जो यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं Schneider का 63 एम्पियर्स, 1000 वोल्ट DC इसकी रेंज है। इसमें हम जो इनपुट देंगे वो देंगे नीचे से, और इसमें जो आउटपुट लेंगे वो लेंगे ऊपर से। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 1000 वोल्ट दे सकते हैं इनपुट पे। अच्छा, इसके साथ जो हमने ब्रेकर लगाया है वो लगाया मित्सुबिशी का ब्रेकर लगाया 80 एम्पीयर का। ये AC DC ब्रेकर है, ये हम लगाएंगे बैटरी के ऊपर। फोकस प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, इसकी जो वोल्टेज रेंज है इस पर लिखी हुई है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही है, इसकी वजह ये है कि ये ब्लर हो रहा है, फोकस काम नहीं कर रहा है, उसके लिए सॉरी। अच्छा, ये AC DC ब्रेकर है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इस पर मेंशन है। अच्छा, इसकी भी जो इनपुट है वो नीचे से है, जो हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जो आउटपुट हम इन्वर्टर को देंगे वो ऊपर से देंगे। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का फ्रंट है।
ये लगाने के बाद भी वीडियोस आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। अच्छा, ये सोलर इन्वर्टर है, इसमें सबसे सीधे हाथ पे है पीवी की इनपुट, सेम एज यूजुअल सीधे हाथ पे नेगेटिव टर्मिनल है, उल्टे हाथ पे पॉजिटिव है, और उसके बाद है बैटरी के टर्मिनल है, उल्टे हाथ पे नेगेटिव, सीधे हाथ पे पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद है एसी आउट है जिसमें नेगेटिव राइट पर है और लाइन लोड लेफ्ट पर है। इस फिर उसके बाद फिर एसी इनपुट है, वो जो हम लोड चलाएंगे, ये हम लगाएंगे इसमें, ये इसके कनेक्शंस हैं। अच्छा, लक्स लाजमी यूज़ करें आप, लक्स सिस्टम की जान होती है इसमें। लक्स से होता क्या है कि लूजिंग ख़त्म हो जाती है, शॉर्ट सर्किट का चांस कम हो जाता है। और जब अब ये तो ब्रेकर जो हमारे यूज़ कर रहे हैं वो स्क्रू वाले हैं, वो तो इसमें लग जाएंगे, लेकिन जो ब्रेकर्स हैं जिसमें नीचे स्क्रू नहीं लगता है, जिसमें नीचे होल होता है, उसमें आप आयलक्स यूज़ करें। अगर आयलक्स आपके पास नहीं है तो आप लक्स लेकर उसको आगे कट भी कर सकते हैं, पतला होगा। अच्छा, ये लक्स है, ये ओ लक्स है, अच्छा 4 mm का, उसके बाद ओ लक्स है 6 mm का, उसके बाद आयलक्स है 4 mm का, उसके बाद आयलक्स है 6 mm का, उसके बाद पेरोल है 25 mm का, उसके बाद लक्स है 25 mm का। ये लक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये आप यूज़ करें। और ये यू लक्स है, यू लक्स आप लाजमी यूज़ करें क्योंकि इससे भी लूजिंग ख़त्म हो जाती है, इससे तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लक्स अवेलेबल रहता है, तार ही जलेगा, पोल से लेके मीटर में ये डलवा दो, इस पे मेंशन रहती है, ये 2 mm से लेकर 16 mm तक का लक्स पंच है। अच्छा, ये स्लीव्स आती हैं, ये स्लीव्स भी आप लाजमी यूज करें, इससे डीबी में थोड़ी खूबसूरती आ जाती है और ये प्रॉपर भी हो जाता है। वेल थैंक्स गाइज, दूसरे पार्ट में आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कनेक्ट करके दिखाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की कनेक्शन आपको बता दिए, सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह आपको इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाने के बाद के आपको इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने अभी तक हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें नोटिफिकेशन बार में। थैंक गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम वालेकुम।